तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में एनर्जी ऑफ फोटोन, पहला फॉर्मूला एच न्यू एच सी बाई लैमडा, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, इसको बॉक्स में डालना, ये फॉर्मूला हमने किया नहीं, अभी करवा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ फोटोन्स एन इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई, वेयर पी इज टोटल पावर, टोटल पावर ऑफ ऑल फोटोन्स, लिख लो ऐसे, लिख लो ऑल फोटोन्स फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाई ई का मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। तो लिख लें प्लीज, पी का मतलब टोटल पावर ऑफ ऑल फोटोन्स और ई का मतलब एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो जैसे टोटल पावर एक फोटोन की जो है, मान लो वो 100 जूल पर सेकेंड है ना, जूल पर सेकेंड है, और एनर्जी एक फोटोन की 2 जूल है, तो नंबर ऑफ इसमें फोटोन्स कितने होंगे, डिवाइड करके क्या आएगा, जूल से जूल कैंसिल, 15 फोटोन्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, इसका मतलब 50। तो समझ में आ रहा है कैसे सोचना है। तो पावर का मतलब, क्योंकि क्या होता है, पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी पर सेकेंड, वो एनर्जी क्योंकि टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे। तो फॉर्मूला याद करना है आपने, क्लियर है। इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन, वैसे मास ऑफ फोटोन नहीं होता, पर अगर इसको इमेजिन करें एक पार्टिकल है उसका मास होता, तो फोटोन की एनर्जी क्या है, एच न्यू, और एनर्जी को मास की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एच न्यू इज एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, मास इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन। नेक्स्ट है वर्क फंक्शन, सबको पता है एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लैम्डा नॉट। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की सबको पता है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट होता है, तो एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, तो न्यू को लिख सकते हैं सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट को सी बाय लैम्डा नॉट। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिख सकते हैं, ये पता है, इंटेंसिटी का मतलब पता है, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन, वॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन हुज एनर्जी इज 63.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, 1.6 × 10⁻¹⁹ से मल्टीप्लाई करके जूल में निकाल लें। तो आपको एनर्जी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एनर्जी क्या होती है, एच न्यू, तो यहाँ से न्यू इज एनर्जी बाय एच, सॉल्व करके आंसर, सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट है इफ़ लाइट ऑफ वेवलेंथ 4950 एंगस्ट्रॉम इज व्यूड, फोटोन की वेवलेंथ गिवन है, तो यहाँ से फोटोन की एनर्जी आ जाएगी एच सी बाय लैम्डा। एज कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ फोटोन, वॉट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लैम्डा को आपने मीटर में कन्वर्ट किया, तो फोटोन की एनर्जी को क्या लिखा, एच सी बाय लैम्डा, तो एच सी बाय लैम्डा, तो इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर, द पावर एमिटेड इज गिवन, पावर गिवन है और आपको फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है, जब फोटोन की फ्रीक्वेंसी गिवन है एच न्यू से फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, तो आपको टोटल पावर भी गिवन है, व्हाट इज एनर्जी ऑफ ईच फोटोन वो तो हमने निकाल ली, हाउ मैनी फोटोन्स पर सेकेंड निकलेंगे, तो हमने फॉर्मूला किया क्या, एन इज इक्वल टू पी बाई ई, पावर हमें पता है और एनर्जी एक फोटोन की हमें पता है, तो डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड आ गए, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर हैज अ पावर आउटपुट ऑफ 66 वॉट, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द सोर्स इन 2 मिनट्स। फिर सेम प्रॉब्लम है, आपको इसमें लैम्डा गिवन है फोटोन का, पावर गिवन है, तो आपको लैम्डा गिवन है एच सी बाय लैम्डा से फोटोन की एनर्जी आ गई, पावर और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिवाइड करके नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड आ गए, पर हमने नंबर ऑफ फोटोन निकालने 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड में, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड को 120 सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैन बी
कैलकुलेटेड। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट फिफ्थ देखो, इफ 5% ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू अ बल्ब रेडिएटेड एज अ विजिबल लाइट, मतलब जो भी बल्ब को हम एनर्जी देंगे या पावर देंगे उसका सिर्फ 5% ही वो लाइट के फोटोन्स में कन्वर्ट करेगा। हाउ मैनी विजिबल लाइट फोटोन्स आर एमिटेड बाई 100 वॉट बल्ब? और मैंने आपको क्या बताया, और एज्यूम वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है, मीटर में कन्वर्ट करके एनर्जी आ जाएगी एच सी बाई लैम्डा, एक फोटोन की एनर्जी आ गई। अब 100 वॉट का बल्ब है, पावर गिवन है 100 वॉट का, मतलब एक सेकंड में 100 जूल की एनर्जी देता है। पर प्रॉब्लम यह है कि टोटल एनर्जी जो है उसका सिर्फ 5% ही किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लाइट में। तो इस 100 का हमने 5% निकाल दिया, तो 5 जूल की एनर्जी ही लाइट में कन्वर्ट हो रही है एक सेकंड में। तो एक सेकंड में 5 जूल की एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है। तो एक फोटोन की एनर्जी हमें पता है Ehcλ निकाल दिया, टोटल लाइट की एनर्जी कितनी है 5 जूल, तो नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होंगे, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए। तो मेथड क्लियर है कैसे करना है इसमें। सिक्स्थ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, एनर्जी फ्रॉम सन इज रिसीव्ड ऑन अर्थ एट अ रेट ऑफ 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये क्या चीज है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यूनिट ठीक कर लो, तो 2 कैलोरीज है, 4.2 से मल्टीप्लाई करके 8.4 जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। वैसे मेरे हिसाब से इसको कन्वर्ट होना चाहिए इसको मीटर स्क्वायर में और इसको सेकेंड में, ताकि जो यूनिट्स हैं वो सही बन के किस में आएंगे, वॉट्स में। ऐसे सिस्टम में काम करना चाहिए। तो देखो आगे, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन निकाल लेगा ये इसमें। तो इसके अंदर क्या किया, तो इतनी पावर है, इसका मतलब पावर का मतलब इंटेंसिटी या पावर है, पावर को और एरिया से डिवाइड कर दिया। एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर लाइट लैम्डा गिवन है, और हाउ मेनी फोटोन्स आर रिसीव्ड ऑन द अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो कोई बात नहीं, ये आपके पास एनर्जी पावर आ गई, पावर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पावर का मतलब जूल पर मिनट है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर फालतू लगा हुआ है, इंटेंसिटी है। एक फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, तो नंबर ऑफ जो फोटोन्स आएंगे वो इस इंटेंसिटी को इस एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड करेंगे, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आएंगे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया फालतू लगा हुआ है पावर के अंदर। तो आंसर आ गया। नेक्स्ट, फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए वर्क फंक्शन आपको गिवन है W नॉट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। वर्क फंक्शन W नॉट क्या होता है, H न्यू नॉट, तो न्यू नॉट की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट एट देखो,
क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ थीजियम गिवन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन गिवन है फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो पहला पार्ट तो क्लियर है, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, तो यहाँ से न्यू नॉट कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट बताओ, लैम्डा बताओ फोटोन का क्या होगा, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल दे दिया, तो वर्क फंक्शन पता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है, वेवलेंथ निकालनी है, काम करते हैं इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो एच सी बाय लैम्डा फोटोन की एनर्जी है, में से वर्क फंक्शन गया तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर को क्या लिख लिया, ई वी नॉट। तो आपको इस क्वेश्चन में लैम्डा निकालना है, वर्क फंक्शन पता है, वी नॉट पता है, सॉल्व करके आंसर निकाल देना, कैलकुलेशन अपनी अपनी है बट इक्वेशन यही लगेगी, क्लियर है यहाँ तक। नाइन्थ, सर लास्ट क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बता दो एक बार, सेकंड पार्ट में इक्वेशन यूज कर ली ना, ये इक्वेशन क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी जगह एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन और इसकी जगह ई वी नॉट, ये लो, तो आपको लैम्डा निकालना है, वर्क फंक्शन वी नॉट दोनों पता है, लैम्डा आ जाएगा आंसर। ओके सर। नाइन्थ, क्वेश्चन है, एक ना टेबल गिवन है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स गिवन है और जिसमें ना इनके वर्क फंक्शंस गिवन है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन सभी मेटल्स को मैं एक फोटोन इनके ऊपर घेरूं जिसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, तो कौन सा मेटल इसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा, फोटोन की एनर्जी निकाल लो, एच सी लैम्डा, तो इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फोटोन की एनर्जी आ गई, तो अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी है फिर तो एमिशन होगा, और अगर बड़ी नहीं है एमिशन नहीं होगा, तो आपका जो फोटोन की जो एनर्जी है 4.16 इससे तो बड़ा है वर्क फंक्शन से, तो इसमें फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इससे बड़ा है निकलेंगे, पर ये वर्क फंक्शन बड़ा है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इसमें नहीं होगा, तो थर्ड एलिमेंट में नहीं होगा, समझ में आ रहा है कैसे चेक करना है, फोटोन की एनर्जी अगर बड़ी है उस वर्क फंक्शन से तो एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न को करने का बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, आप जब ये करेंगे ना एनसीईआरटी यहीं से कर लें, एनसीईआरटी का ये टॉपिक करने के बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स करवाऊँगा, ट्रिकी क्वेश्चन है वो भी करवाऊँगा, वो सारी शीट्स करने के बाद आप पहले पुराने पेपर ज़रूर सॉल्व कर लें क्योंकि उसी के अंदर बहुत कंटेंट है, फिर आप जो बुक करना चाहें कर लें, वैसे टाइम नहीं बचेगा क्योंकि पुराने पेपर्स में बहुत कुछ है, पुराने पेपर इसलिए बोल रहा हूँ उसमें एक्सपीरियंस अच्छा है, इतने सारे क्वेश्चन हैं उसमें नई नई वैरायटी मिलेगी आपको, और आप मैं भी करवाऊँगा ऐसी बात नहीं पेपर्स, और उसके अंदर आपको ना आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन की क्या क्या लेवल और क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, तो मैं आपको ना जल्दी दे दूंगा, 2-3 दिन में दे दूंगा इसकी शीट्स, ताकि आप एटम्स और ड्यूल नेचर ट्राई करना शुरू कर दो, बस उसी से अगर आपने वो कर लिया तो क्लियर है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या गिवन है,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन इट. तो लैम्डा हमने घेर दिया. मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 0.54 वोल्ट. क्या गिवन है? स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है और फोटोन का लैम्डा गिवन है. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन निकालो. देखो आपको लैम्डा पता है तो एनर्जी क्या होगी? एच सी बाई लैम्डा. एक आंसर आ गया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो. आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुझे ये पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है या तो वह हाफ एम वी स्क्वायर होती है या ई वी नॉट होती है. तो आपको वी नॉट तो पता ही है 0.54. इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी. इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट होता है और वी नॉट तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन ही है, तो आप ई से ई को स्टॉपिंग पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो पहले पार्ट में एच सी बाई लैम्डा, दूसरे में मैक्सिमम एनर्जी, तीसरे में पूछ रहा है वर्क फंक्शन. तो इक्वेशन लगाओ. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन. तो यहाँ से वर्क फंक्शन क्या होगा? एच न्यू माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. तो एच न्यू आपको पता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, माइनस करके क्या जाएगा? वर्क फंक्शन. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 11 इजी है, ये सेम रिपीट है. होमवर्क लिखो, 11th होमवर्क लिखो, 12th करो. क्या क्वेश्चन है? कि वर्क फंक्शन आपको 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है और लाइट 5000 एंगस्ट्रॉम की इंसिडेंट है, लैम्डा पता है. कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. तो आपको इसमें वर्क फंक्शन पता है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया. आपको लैम्डा पता है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट. तो यहाँ से न्यू नॉट एक आंसर आ गया. नेक्स्ट क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी निकालनी है. तो सी क्या होता है? न्यू लैम्डा. तो लैम्डा क्या होता है? सी बाई न्यू. आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी पता है तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आ गई. नेक्स्ट पार्ट में निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन. आपको फोटोन का लैम्डा तो गिवन ही है, फोटोन की एनर्जी आ गई और वर्क फंक्शन भी गिवन है. तो आपको लैम्डा गिवन है फोटोन का, वर्क फंक्शन गिवन है. इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लेना है, ये भी जूल में आएगा. माइनस करके जूल में क्या आ गई? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. फिर वो कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बताओ क्या होगी? ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या पुट करेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर. वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगी? वेलोसिटी. तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे लगेगी इक्वेशन. और लास्ट है कि इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट भी डबल्ड, मैं इंटेंसिटी को डबल कर देता हूँ, नंबर ऑफ फोटोन को डबल घेर देता हूँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटोन के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना कि नंबर ऑफ फोटोन्स पे. तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, इंटेंसिटी से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट ही पड़ता है, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज पे. 13th
आरियाना ग्रोवर, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है कि आपको एक कट ऑफ वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि इसके नीचे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहा था। तो कितनी है, 4.5 × 10⁴। तो यहाँ से देख के लिखनी है, और वर्क फंक्शन क्या होगा, H·μ₀ आंसर। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है, फिर से आपको वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दे रहा है। आज हमने थ्योरी में भी किया था, वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपको क्या देता है, स्लोप। इसकी स्लोप आपको क्या देगी, एच अपॉन ई। तो क्या निकालना है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट निकालना है। तो बताया मैंने, इसकी स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होगी, दिस हाइट, ये हाइट क्या होगी, 1.23 − 0। और बेस क्या होगा, 8 − 5 × 10⁴। तो डिवाइड करके स्लोप आ गई, स्लोप की जगह पुट कर देंगे, इसको ई से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, तो स्लोप निकाल के ई से मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। बात खत्म, कुछ नहीं करना। 15th तो क्वेश्चन है, इन द स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन द स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एंड फ्रीक्वेंसी दे रहा है पी और क्यू, विच ऑफ द टू मेटल्स हैज हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसकी, क्यू की, 6 × 10⁴। फाइंड वर्क फंक्शन, इसका वर्क फंक्शन भी निकालो। तो न्यू नॉट आ गया, H·μ₀ से क्या आएगा, वर्क फंक्शन। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसी केस में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगर फोटोन की एनर्जी इतनी है, अब फोटोन की एनर्जी है तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है तो फोटोन की एनर्जी आ जाएगी H·ν। फोटोन की एनर्जी आ गई, न्यू नॉट है तो वर्क फंक्शन भी आ गया। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, H·ν − ν₀। यह था ना H·ν − वर्क फंक्शन H·ν₀। तो आपको न्यू पता है, न्यू नॉट पता है, तो इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। ठीक है यहां पर। नेक्स्ट 16th,
क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी इमिटेड फ्रॉम पोटेशियम सरफेस विद अ स्पीड ऑफ, देखो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन की स्पीड पता है, वी पता है, व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन मस्ट बी यूज, तो आपको न्यू बताना है फोटोन का क्या होगा, तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, आपको थ्रेशोल्ड पता है तो यहाँ से वर्क फंक्शन तो निकाल ही लोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट, आपको न्यू निकालना है, न्यू नॉट गिवन है, वेलोसिटी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो न्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कैलकुलेशन करते रहना। तो मेथड समझ में आ रहा है कि क्या टर्म किस में पुट करनी है, ठीक। 17 देखना, देखो क्या क्वेश्चन है, शीट ऑफ सिल्वर इज इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ गिवन, तो लैम्डा गिवन है, व्हाट इज मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, तो आपको फोटोन का लैम्डा पता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ गिवन है, तो हम क्या करते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वैसे एच न्यू माइनस न्यू नॉट, पर न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट, बाकी पुट करते रहना आंसर, सही है। तो ये आंसर है। एक ना बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेश होल्ड है तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, ठीक है, या फिर अगर आपका फोटोन का लैम्डा लेस देन थ्रेश होल्ड लैम्डा है तो भी एमिशन होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अगर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन न्यू नॉट है एमिशन होगा, और अगर लैम्डा लेस देन न्यू नॉट है तो भी एमिशन होगा, याद रखना। तो मतलब लैम्डा को देके कैसे कंपेयर करना है और फ्रीक्वेंसी को देके कैसे कंपेयर करना है, ये आपको आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है 18th। By how much would stopping potential for a photosensitive surface go up? Stopping potential कितना बढ़ जाएगा अगर frequency of incident radiations were increased from this to this? Frequency अगर मैं बढ़ा दूँ तो stopping potential कितना बढ़ेगा? तो rule number one, आप equation लगाएं stopping potential या half mv square क्या होता है? H nu minus work function? पहला स्टेप क्लियर है। तो फर्स्ट वाली वेव के लिए, फर्स्ट फोटोन के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वी 0-1 है जब फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, और सेकंड के लिए 0-2 है जब फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है। प्रॉब्लम ये है, अगर आप इसके अंदर वी नॉट को पुट करते हैं, न्यू 1 पुट करते हैं, तो वर्क फंक्शन आएगा, प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वर्क फंक्शन यहाँ पुट करके आंसर आएगा। लेकिन बेटर ये है, अब इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि v ऑफ 0-1 गिवन नहीं है, आपको v 0-1 की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको वर्क फंक्शन भी गिवन नहीं है, तो आप इंडिविजुअली फर्स्ट इक्वेशन को यूज नहीं कर पाएंगे। ये दो वेरिएबल है, आपको निकालना क्या है, दिस माइनस दिस,
यानी कि ईवी 0 2 माइनस वी 0 1। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लें ताकि वर्क फंक्शन से वर्क फंक्शन कैंसिल, तो कैंसिल करके ये टर्म आएगी, यहाँ से चेंज इन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, फ्रिक्वेंसी दोनों पता है, ई पता है, एच पता है आंसर। तो ये बहुत सही स्टेप है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जहाँ पर आपको दो वेरिएबल मिलेंगे और केसेस आपको दो गिवन होंगे, तो आप दोनों केसेस बनाएं, दोनों को माइनस करें, अपने आप चेंज इन पोटेंशियल कैन बी कैलकुलेटेड, वर्क फंक्शन अपने बढ़ जाएगा इसमें से। तो इस क्वेश्चन को देखें, नहीं इसमें तो वो निकालना है, ये हो जाएगा, होमवर्क लिखें इसे, होमवर्क लिखें, 20 को भी होमवर्क लिखें। इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर फोटोन जिसकी वेवलेंथ 3310 एंगस्ट्रॉम है फॉल्स ऑन अ फोटो कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस इज इजेक्टेड। फोटोन की वेवलेंथ पता है, फोटोन की एनर्जी पता है, फोटोन की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता है, वर्क फंक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। इफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज चेंज्ड, तो पहले वेवलेंथ इतनी थी, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, कितनी 5000 कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट निकालो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो। तो ई क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, मतलब एच सी बाय लैम्डा फोटोन की एनर्जी, ई फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, न्यू नॉट की जगह सी बाय लैम्डा नॉट। तो आपको फर्स्ट केस में एनर्जी काइनेटिक पता है, आपको लैम्डा पता है, दूसरे केस में आपको एनर्जी पता है, आपको लैम्डा पता है, फिर सेम प्रॉब्लम, इन दोनों को माइनस कर लें तो वर्क फंक्शन आपस में कैंसिल हो जाएगा, और आपको क्या निकालना है, इसमें एच निकालना है, एच कैन बी कैलकुलेटेड, एच आ गया तो किसी भी क्वेश्चन से आप वर्क फंक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं मेन चीज यही बता रहा हूँ कि जब दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन में मिलेंगे तो आपको सब्ट्रैक्शन करके क्या करना पड़ेगा, दोनों केसेस में वर्क फंक्शन को उड़ाना पड़ेगा। ये करो 22। The wavelength of light in visible region is about 390 nanometer for violet color. तो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि wavelength of light in visible region 390 nanometer पर violet color का, violet color का इसमें क्या गिवन है, फोटोन की wavelength गिवन है, और 550 nanometer for yellow green color भी गिवन है, एवरेज कलर जिसे बोलते हैं, और 760 नैनोमीटर रेड, तो तीनों का लैम्डा गिवन है फोटोन का, तो तीनों की एनर्जी एच सी बाय लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड, तीनों की फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। व्हाट आर दी एनर्जीज ऑफ फोटोन और वॉयलेट एवरेज वेवलेंथ एंड रेड कलर, तो एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा, तीन आंसर। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटीरियल्स विद वर्क फंक्शन लिस्टेड इन टेबल 11.1, ये नहीं पता नहीं कहाँ कौन सा टेबल है, ये रहने दो, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या हैं, ये अनसॉल्व्ड होमवर्क है, तो ये ट्राई करने हैं आपने, ठीक है, इसी के बेस पे आप इसे ट्राई कर सकते हैं।